कितनी भी चोट लगे या फिर कितनी ही निराशा हो, ये समंदर का दामन नहीं छोड़ते और ना ही समंदर इनका। करीब 93% मछलियां बड़े यांत्रिक जहाजों से पकड़ी जाती हैं और ये जहाज समुदाय के कुछ समृद्ध लोगों के पास ही मौजूद हैं, जिसके कारण कई गरीब मछुआरों का शोषण होता आया है। सेवा भारती ने सामूहिक यांत्रिक जहाजों का इंतजाम किया, जिसमें मछुआरों के अनेक समूह बराबर के हिस्सेदार बन पाए। सेवा भारती के शुभचिंतकों से मिला प्रारंभिक धन उन्हें एक ब्याज मुक्त ऋण की तरह उपलब्ध कराया गया, और आज वही लोग जो खुद इन जहाजों पर मजदूर थे, उन्हीं जहाजों के मालिक हैं। केरला के एक छोटे से गांव कन्नूर के ये मछुआरे खुद अपनी किस्मत के मालिक हैं और खुद अपनी कश्तियों के मालिक भी। അതിൻ്റെ ഒരു തോണിയുംപാലൻ്റെ ഒരു 18 അംഗ ഗ്രൂപ്പാണ് തലായിലിപ്പം ഈ തോണിയുംപാലവും നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 18, 20, 35, 40 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് സംഘടന തോണിയുംപാലി അനുവദിച്ചതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബാങ്ക് ലോണ് വഴി നമ്മളിപ്പം പൈസ ഇത്ര വലിയ തുക എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് മുതിർന്നേക്കും. പക്ഷേ സംഘടനാ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഹിതം സംഘടനക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക. ना अपनों का साथ मिले, ना जलपान नसीब हो, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हाड़ मांस का बना मनुष्य पानी सा गल जाता है। कितने ही नुस्खे हों, कितने ही हाकिम हों, बूढ़े जवान सब एक ही ज्वर से तपते हैं। चाहे जितना हो मनोबल, इन पट्टियों के पीछे सब कुछ दब जाता है। कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जिससे शरीर के साथ साथ अंतर्मन भी गलने लगता है। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या टीबी नहीं है, बल्कि एक इंसान को अनवांछित, उपेक्षित छोड़ दिया जाने का एहसास है। चापा छत्तीसगढ़ में स्थापित भारतीय कुष्ठ निवारक संघ एक ऐसी ही मिसाल है, जहां सही मायने में कुष्ठ रोग को हरा दिया गया है। BKNS के मार्गदर्शक श्री कात्रे खुद एक कुष्ठ रोगी थे, जिन्होंने अपनी और अपने जैसे कई और रोगियों की लाचार परिस्थिति को अपनाने से इनकार कर दिया। अपनी लगन और मेहनत से कुष्ठ रोगियों के लिए इस संस्था को स्थापित किया। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए जीविका के कई साधन बनाए गए, खेती बाड़ी, चटाई बनाना, चौक की फैक्ट्री। हर व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से जीवन जीता है।
सुशील बाल गृह इनके बच्चों के लिए शिक्षा और पालन पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आधुनिक चिकित्सा से 2,500 कुष्ठ रोगियों को अपाहिज होने से बचाया गया और 30,000 रोगियों को MDT से ठीक किया गया है। शायद विश्व की एकमात्र संस्था होगी जो एक कुष्ठ रोगी ने कुष्ठ रोगियों के लिए प्रारंभ की। दो बातों से कुष्ठ रोगी बहुत त्रस्त है। एक तो जिसको भिक्षा अटन नहीं करना है, तब भी मजबूरी में भिक्षा करना है क्योंकि पेट चलाना है, पर यह स्वाभिमान शून्यता है, ये भी वो अनुभव करता था, पर जाए कहाँ, उसके लिए स्थान कौन सा है। और दूसरी बात जो थी कि उसको हमेशा चिंता सताती थी कि जब ये शरीर शांत होगा उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो कात्रेय जी ने सोचा कि अगर कुष्ठ रोगी को इन दो बातों से मुक्त करा दिया जाए कि वो एक स्वाभिमान जीवन जिए, भिक्षावृत्ति से परावृत हो, और दूसरा ये संसार छोड़ते समय निश्चितता संसार छोड़े कि अपनी व्यवस्था होगी। ये एक बड़ा संयुक्त परिवार है। हर रिश्ता खून का तो नहीं लेकिन मानवता का रिश्ता है। अपना दर्द भी एक साथ बांटते हैं और अपनी खुशियां भी। जो हमें इस संसार में लेकर आती है, आंखें खोलते ही जिसका चेहरा हम सबसे पहले देखते हैं, जिसके स्पर्श से हम चैन की नींद सोते हैं, जिन हाथों को पकड़कर हम अपना पहला कदम लेते हैं, ममता के उस स्पर्श, उस आंचल की छांव से अनभिज्ञ है ये मासूम बच्चे, लेकिन फिर भी स्नेह से वंचित नहीं है। ये दो बच्चियां जो हैं, दोनों बच्चियां जुड़वा हैं, जो कि राजनांदगांव के पास में एक डोंगरगढ़ करके स्थान है, वहां पर इन्हें झाड़ियों में कहीं छोड़ दिया गया था। इन्हीं परिस्थितियों से बचाने के लिए ये बाल गृह स्थापित किया गया है। ये संस्था अपने नाम को बखूबी निभाती है, मात्र छाया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कचरे में या रेत में या नालियों में डाल देते हैं बच्चे, तो उससे क्या है, उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और हम लोगों के लाते तक बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगता है। तो यदि किसी को डालना ही है तो वो हमारे मातृ छाया के झूले में सही जगह पर डालें ताकि हम उसको इमीजिएटली उसकी व्यवस्था कर सकें। माँ की तरह स्नेह और परवरिश प्रदान करती ये संस्था इन नन्हे बच्चों के लिए एक बड़ा परिवार है। यहाँ नवजात शिशुओं से लेकर हर उम्र के बच्चों की परवरिश, शिक्षा आदि की देखभाल की जाती है। मातृ छाया इन बच्चों के लिए स्नेह और संस्कार से भरा एक घर है। साथ ही ये संस्था इन बच्चों के लिए योग्य परिवार की तलाश भी जारी रखती है। 15 जुलाई 2004 से लेकर के आज तक 228 बच्चों का यहाँ पर आगमन हुआ है और लगभग मान के चलिए कि 160 बच्चों को उनमें से एडॉप्शन में दिया जा चुका है, योग्य दंपतियों को जो कि बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सक्षम है। मातृ छाया के निरंतर निस्वार्थ प्रयास से कई अनाथ नन्हों को परिवार मिले हैं और कई सूने आंगनों में किलकारियां गूंजी हैं। கடன் கோரிக்கை திருமதி டி பகவதி அம்மா அவர்கள் நகை கடன் தீர்ப்பதற்காக ரூபாய் 50,000 கடன் கேட்டுள்ளார். தீர்மானம்: திருமதி டி பகவதி அம்மா அவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பதற்கு உறுப்பினர்கள் ஒருமனதாக உறுப்பினர்களால் ஒருமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது. குழுவின் வரவு சேமிப்பு 4,000.
வட்டி 4151, சந்தா 200, இதர வரவு 180, மொத்த அசல் 25250, இதர செலவு லோன் அடைத்தது 13500 ரூபாய். कितने ही अद्भुत रूप हैं इनके। सूरज की किरणों से खिलकर, पानी सी हर आकार में ढलकर आगे बढ़ती जाती हैं। हर रूप में ये सर्वत्र मिल जाएंगी। मनोबल की मिसाल हैं सबके लिए, ममता की मूरत हर किसी के लिए। शक्ति इनकी अप्रतिम है, ये नारी शक्ति कहलाती है। இது வந்து இருக்குதுக்கு இல்லடா இல்லை இல்லை. கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது நெட்டாங்கோடு. அவங்க ஒரு மாதத்தை ஒரு ஒரு 6 மாதம் போல் 1 வருஷம் போல் என் கூட இருந்துக்கிட்டு அப்புறமா அவன் வேற போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேற போய் இருந்தாச்சு. எனக்கு ஒரு பிள்ளைய தந்துட்டு அப்புறமா அந்த பிள்ளைய கொண்டு வந்து வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துக்கிட்டு. इन्हीं स्त्रियों को अपना महत्व साकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है सेवा भारती। इसी शक्ति से खुद को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न तरीके सिखाती है महिला स्वावलंबी समूह। तमिलनाडु में सेवा भारती ने 1999 में महिला स्वावलंबी समूह की शुरुआत की और उन समूहों को रोजगार के अवसर और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। जिन औरतों को आर्थिक मदद की जरूरत थी उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिए गए। अपने आसपास आसानी से प्राप्त होने वाले साधनों से रोजगार की चीजें बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। எழுத்து விவரம் தெரியாம இருந்தா அப்போ குழுவில் உள்ள தலைவர் மாரோ சொன்னாங்க, சுசீலா நீ இப்படி சாக்குட்டி கை ஒப்பு போடக்கூடாது, நீ சாக்குட்டி வச்சு எழுதி படிச்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னப்போ என்ன மக என்ன செய்தா கையை பிடிச்சி எழுதி காட்டி தந்தா, அம்மா இப்படி எழுதுன்னு சொல்லி காட்டி தந்தா. அதுக்கப்புறம் 3 எழுத்து சுசீலா அப்படின்னு 3 எழுத்து எழுதி படிச்சு இப்போ சைன் வைப்பேன் புக்கில், எல்லா புக்கிலையும் சைன் வைப்பேன். அப்போ பேங்குக்கு போவேன், எப்படியோ குழுவில் எல்லாம் சேர்ந்தெடுத்து ஒரு பிள்ளை கரையாத்தன்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்தேன். நம்ம பாட்டு தானே தின்னாட்டா என்ன குடிக்காட்டா என்ன பிள்ளையாக ஒருத்தன் கையில் பிடிச்சி கொடுத்து நம்ம இதுதானே. நம்ம என்ன பண்ணுறான் தும்பு ஓட்டிப்பான் மண்டே மார்க்கெட் பிளாக்கோடு. हवाओं की सरसराहट से, पंछियों के चहचहाने से, सूखे पत्तों पे गिरती पानी की बूंदों से, तारों के टिमटिमाने से, झिंगुरों की सीटियों से, प्रकृति हमसे बातें करती है। प्रकृति की ये बोली समझने वाला एक ऐसा ही इलाका है कंधमाल। कितने ही वर्षों से इन जंगलों में बीत रहा इनका जीवन प्राकृतिक जीवन शैली की मिसाल है। यहाँ के जनजाति चावल की खेती कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन चावल की फसल भी साल के कुछ ही महीने उनका साथ दे पाती है। बाकी बचे महीनों में ये जनजाति अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करती रह जाती है। मना अमीला बहुत अतनी उठ पिता मुनी तर बे मैं लिया दाते एंगा माया बारू हिंगे आकु गोबु तकते कबे पानांगी ना उसकी ते कबे पैक जिसे कालू ते किसी आजी बातेरु एंगे ना मीला बहुत अतनी पौड़ी गुबन फाड़ा तम एंगा हिंगे ना गोह पिमाजी कालू हिंगे जाना गया सिते का माय मेरे हंगोटे मांगे सीला बादर गया तेरो आकी बेसा तम की ये सा तम की एंगा मसाम सुपना।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कंधमाल में। ये जनजाति